नमस्कार, मैं डॉक्टर जरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारी फैमिली हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। न्यू डाइट सिस्टम जो भी लोग करते हैं उनके लिए भी और जो नहीं करते हैं उनके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन ये है कि ड्राई फ्रूट खाना कितना उचित है, खाना चाहिए तो कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। तो आज के मेरा वीडियो का टॉपिक है ड्राई फ्रूट। तो ये ड्राई फ्रूट में क्या क्या आएगा उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। हमेशा जो ड्राई फ्रूट है वो शाम को 4 बजे के हमारा जो स्नैक टाइम है उसमें लेना चाहिए। ये जो ड्राई फ्रूट है उसको आप 4 घंटे पानी में भिगोने के बाद उसका इस्तेमाल करोगे तो आपको लाभ होगा। ड्राई मतलब कि सूख गया है। तो हमारे न्यू डाइट सिस्टम में हम ये कहते हैं कि जो भी चीज हम काटते हैं तो उसमें से जूस निकलना चाहिए। लेकिन ये तो ड्राई फ्रूट है, इसको काटेंगे तो जूस नहीं निकलता है, तो उसको क्या करें? तो इसको हमें पानी में 4 घंटे भिगो देना है। तो ये जो ड्राई फ्रूट है वो पूरा पानी सोख लेगा और सोख किया हुआ हम आलमंड खाएंगे, काजू खाएंगे, बादाम खाएंगे तो हमें इजी टू डाइजेस्ट मतलब कि हजम जल्दी से हो जाएगा। आप ड्राई खाओगे तो आपको ज़्यादा पानी पी के उसको हजम करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करेंगे कि उसको बाउल में ही बाहर ही पानी में भिगो के हम खाएंगे तो हमें ज़्यादा लाभ होगा और इजी टू डाइजेस्ट जल्दी से हजम भी हो जाएगा। तो ड्राई फ्रूट्स कितनी मात्रा में खाने चाहिए, पहले तो मैंने बता दिया कि उसको 4 बजे के आप स्नैक टाइम में खाना है। तो कितने खाने चाहिए, तो उसके लिए है 5 बादाम ले लीजिए, 5 काजू लीजिए, 5 अंजीर है, 5 मुनक्का है, 5 वॉलनट है मतलब कि अखरोट बोलते हैं वो ले सकते हैं, या तो फिर आप मूंगफली के 10 दाने भी उसमें डाल के ले सकते हो। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो लेना है। लेकिन कंपलसरी नहीं है कि सबको खाना ही है। अगर किसी के पास पैसे ज्यादा हो, ये चीजें अच्छी लगती है तो ही खा सकते हो। अगर आप मीडियम लेवल के इंसान हो और ऐसा खर्च नहीं करना है तो मूंगफली के दाने से भी काम चल जाएगा, वो भी उतनी ही ताकत देता है। और से और हमारे पास सनफ्लावर के सीड्स है, पम्पकिन के सीड्स है, मेलन के सीड्स है, ऑर्गेनिक हम रखते हैं, हमारी वेबसाइट्स पे उपलब्ध है, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप ऑर्डर दे सकते हो। और ये तीनों चीज को मिक्स करके हमने एनर्जी सीड्स बनाए हैं तो वो भी आप हमारे पास से मंगवा सकते हो। ये जो सीड्स है उसको भिगो के भी खा सकते हो और आप जैसे ड्राई फॉर्म में है वैसे भी खा सकते हो। जब भी खाते हो तो बहुत ही चबा चबा के जूस बना के मुंह में सलाइवा मिक्स करके हमें पेट के अंदर उतारना है। ऐसा नहीं है कि फटाफट से खा लिया, फटाफट से उतार दिया। जब भी चीज खाते हैं तो उसको रस बना के, जूस बना के पीना है तो ही हमें फायदा होगा, नहीं तो वो ही काम इंटेस्टाइन को करना पड़ेगा, लीवर को करना पड़ेगा, पेट को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो हमें 32 टीथ है, दांत है, तो उससे मैक्सिमम चबा चबा के खाना जरूरी है। तो ये जो आपने 5-5 सारी चीजें ले ली वो पूरा का पूरा एक बाउल भर के आपके पास ड्राई फ्रूट हो गया। इसमें आप अंजीर भी डाल सकते हो और ये जो अंजीर है वो भी हेल्दी बहुत ही चीज होती है। तो ये जो सारी की सारी आपके पास, जरूरी नहीं है कि कोई भी एक या दो चीज होगी तो भी चलेगी। मैं तो इसलिए बता रही हूँ कि अभी तो और भी कोई ड्राई फ्रूट रह गए होंगे तो वो भी आप खा सकते हो। लेकिन जो भी चीज है वो सारी की सारी उसका जो क्वांटिटी होती है वो 5-5 लेनी है और वो आप स्नैक में ले लोगे तो इससे फायदा ये होगा कि 4 घंटे तक भूख नहीं लगेगी और लगेगी भी तो भी डिनर में आप कम खा पाओगे।
तो आपका जो पेट है वो फुलफिल हो जाएगा, आपको स्टमक फीलिंग हो गया ऐसा आपको एहसास भी हो जाएगा। लेकिन जो बहुत ही मोटे लोग हैं, जो डाइटिंग पे है, जिनको वेट लॉस करना है, उनके लिए ये चीज नहीं है। जो दुबले हैं, जो बहुत काम करते हैं, जो हैवी वर्क काम करते हैं या वर्कआउट करते हैं, या तो फिर उनको दौड़ धाम रहती है, यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए ये चीज है। आप ऑफिस में हो, जॉब पे हो, बिजनेस पे हो, स्कूल में हो, तो भी एक जो डब्बी होती है इसके अंदर ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट भिगो के आप ऑफिस ले जा सकते हो, पानी के साथ भर के ही, और फिर आप 4 बजे या 5 बजे खा सकते हो। आप कार ड्राइविंग करते हो तो भी साथ में ये चीज रख के फिर आप खा सकते हो। अगर ये भिगोया हुआ पानी आपको पीना हो तो भी पी सकते हो, अगर फेंक देना हो तो भी चलेगा। लेकिन हम ऐसा कहेंगे कि फेंक दो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई तत्व नहीं होता है। कई लोग ये भी पूछते हैं कि आलमंड का छिलका खाना है या नहीं खाना है, तो छिलके में कोई विटामिन नहीं होता है, उसको खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको खाना हो तो खा भी सकते हो, क्योंकि उसमें कोई नुकसान भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और कई जो स्टूडेंट्स लोग होते हैं कि जिनको पढ़ाई का ज्यादा वर्क होता है, मेंटल भी ज्यादा काम रहता है, उन लोगों को भी ये ड्राई फ्रूट का बाउल साथ में रखेंगे तो उन लोगों की को भी लाभ होगा। और हमारे पास ये मिक्स जो सीड्स है वो भी बहुत इजी है, वो भी डाइजेस्ट सिस्टम को हमें मजबूत करता है। और जो लोगों को वीकनेस फील हो रही है न्यू डाइट सिस्टम करते करते, या तो फिर कोई बड़ा क्रॉनिक प्रॉब्लम है, कैंसर जैसा कोई प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को भी ये जो सारा ड्राई फ्रूट है वो 5-5 नहीं लेना है, लेकिन 2-3 मात्रा में लेना है। और वो एक बाउल भर के उसको मिक्सचर में पीस के उसमें पानी डाल के इसकी स्मूदी बना के वो आप पेशेंट को पिला सकते हो। इसके अंदर खजूर डेट्स बोलते हैं, वो भी आप ये मिक्स मैच करके आप पी सकते हो या खा सकते हो, ये भी ड्राई फ्रूट में ही आती है। और हमारी वेबसाइट से भी आप हमें डेट्स का ऑर्डर दे सकते हो, या तो फिर आप हमें व्हाट्सएप से भी ऑर्डर दे सकते हो। हम ऑर्गेनिक खजूर जो है वो भी सेल करते हैं और साधकों को देते हैं, तो ये भी बहुत हेल्दी चीज हो गई। जिन लोगों को दूध पीना है, मिल्क पीना है, छोटे हैं या बड़े हैं, बीमार है या स्वस्थ है, तो 5 बादाम और 5 काजू इसको मिक्स करके, इसको पीस के, इसको भिगो के, फिर आप इसमें 1/2 कप पानी डाल के या 1 ग्लास पानी डाल के लिक्विड बना के आप दूध पी सकोगे। वाइट मतलब कि मिल्क, और मिल्क जो होता है वो लिक्विड होता है। ऐसी हमारे दिमाग में भ्रांति है कि माँ के स्तन में से जो दूध निकला वो वाइट था, और गाय भैंस के स्तन में से जो दूध निकला, आंचल में से जो दूध निकला वो भी वाइट था। तो हमारे दिमाग में ऐसा हो गया है कि वाइट कलर का लिक्विड मतलब दूध। लेकिन ये आलमंड का भी दूध, बादाम का भी दूध, खजूर का भी दूध आप बना के पी सकते हो। और जो हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है एनर्जी सीड्स, इसका भी बहुत बढ़िया दूध बनता है, इसका भी बहुत बढ़िया एनर्जी मिलती है, और इससे बासुंदी भी बनती है, दूधपाक भी बनता है, और फ्रूट सलाड भी बनता है। तो आप छोटे बच्चों को एनिमल प्रोडक्ट वाला या डेयरी प्रोडक्ट वाला दूध नहीं देना है, ये ड्राई फ्रूट वाला आप दूध बना के पी सकते हो। ऐसी ढेर सारी रेसिपीज हमारी प्लेलिस्ट में है। यही वीडियो में आप देखोगे तो आपको रॉ वेगन मिल्क कैसे बनाने हैं और कैसे पीने हैं उसकी भी बहुत सारी वीडियो बनाई है। तो जिसको ड्राई फ्रूट खाना हो वो इस तरह से खा सकते हैं, और जिसको नहीं खाना हो वो जूस भी पी सकते हैं, फ्रूट भी खा सकते हैं, और वेजिटेबल भी खा सकते हैं, और सलाड भी खा सकते हैं, तो भी एनर्जी मिलती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम ज्यादा महंगा ड्राई फ्रूट खाएंगे तो ही हमें एनर्जी मिलेगी। अगर आपको एनर्जी चाहिए तो इसके लिए एनीमा करना पड़ेगा। सुबह में 3 बार एनीमा और रात को 3 बार एनीमा, अपने घर में, अपने बाथरूम में, खुद अपने आप ये सिंपल टैप वाटर, बाथरूम का जो नल का पानी होता है वो ही 1.5 लीटर इसमें डाल के एनीमा करना है। लेकिन याद रहे, ये कैथेटर हर मंथ
चेंज कर देनी है, जो छोटी वाली पाइप होती है 1-2 फुट की वो, और जो बड़ी वाली 4 फुट की पाइप होती है वो आपको हर 4-5 महीने पे चेंज कर देनी है, और हर 1 साल पे ये एनिमा का डब्बा भी आपको बदल देना है, क्योंकि पीला हो जाता है, काला हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसमें क्षार हो जाता है, तो उसको फेंक देना है। तो ये कम से कम कीमत की चीज़ आपको 1 साल चलती है, प्लस एक ही डिब्बे में घर के जितने भी सदस्य है वो सारे सदस्य एक ही पॉट से एनिमा कर सकेंगे। और आपको एक्स्ट्रा कैथेटर चाहिए तो भी आप मैसेज कर देना, तो घर में जितने सदस्य हैं तो उनके लिए भी 10 कैथेटर का सेट भी हम भेज देते हैं। तो ड्राई फ्रूट खाना कोई जरूरी नहीं है, आपको मन करे तो ही खाना है और आपको इच्छा से खाना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि NDS में ड्राई फ्रूट खाना ही है। तो आप सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क करो, मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो, और यही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है जिसके ऊपर मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय।